हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी टू योर ओन चैनल जिसका नाम है एडू पैराडाइज एंड एज यू गाइज नो जो कि अभी हमने बात करी आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो मेरा नाम है कीर्ति शर्मा और इंग्लिश मिट और साइंस मिट और मैथ्स मिंट और ओके आपको हर चीज चैनल पर मिल जाएगी सो गो सोच इट आउट यू विल डेफिनेटली एंजॉय ओके सो बात करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं हम लोगों ने इंग्लिश के क्रैश कोर्स में फॉर क्लास ट्वेल्व और टर्म वन हम लोगों ने सारे पोइम्स फिनिश कर दिए हैं आज से हम लोग लेसन्स शुरू करने वाले हैं यानी कि चैप्टर शुरू करने वाले हैं अब आयरनी की बात एज यूजल जिस बात पे आप बहुत हंसते हो आपकी फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है द लास्ट लेसन ऑफकोर्स आई नो वेरी वेल कि आप इस बात पे अपने स्कूल में बहुत ज्यादा हंस चुके हो खेल चुके हो इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम हियर ऑन इट सो लेट्स गेट स्टार्टेड तो बच्चे जो ये लेसन है the last lesson, ये किसने लिखा है दिस इज रिटन बाई एल्फॉन्स डॉडट किन्होंने लिखा है ये बच्चे एल्फॉन्स डॉडट कूल दिस इज द नेम ऑफ जिन्होंने ये लेसन लिखा है नाम इनका याद रखना इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट उस सबसे पहले अगेन चैप्टर की समरी से पहले हम लोग क्या करेंगे पहले आई गिव यू द थीम कि क्या बेसिक है क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेगी थीम क्या है चैप्टर की फिर हम लोग समरी डिस्कस करेंगे फिर हम लोग एम डिस्कस करेंगे तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया इसके बाद इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना चांसेस बहुत कम हो जाते हैं पोएम्स ऑलरेडी डले हुए हैं गो एंड वॉच देम सेव योर टाइम यू नो नंबर लो फटाफट से मजा आ जाएगा कूल सो इट्स थीम ऑफ द पोएम इट्स नॉट थीम्स इट्स जस्ट थीम ऑफ द लेसन नॉट पोएम माय मिस्टेक थीम ऑफ द लेसन तो पहली बच्चे जो थीम है वो क्या है पहली जो थीम है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज कि जो भी आपका कल्चर होता है या लैंग्वेज होता है उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होती है इम्पॉर्टेंस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ये है पहली चीज़ अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में तो बेटा दूसरी चीज़ जो हमें इससे पता चलेगी वो है कि जो बेसिक लोग होते हैं उनके ऊपर किसी वॉर का किसी युद्ध का क्या फ़र्क पड़ता है इज द इम्पैक्ट ऑफ वॉर दूसरी चीज क्या है इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन पीपल लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ता है यार वॉर से बहुत फर्क पड़ता है करेक्ट तीसरी क्या चीज है प्रोक्रास्टिनेशन अब आप बोलोगे मैम प्रोक्रास्टिनेशन क्या होता है तो चीजों को टालने के प्रोसेस को कहा जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन जिसमें कि हम सब लोग बहुत यू नो आगे निकल चुके हैं सो दैट्स प्रोक्रेस्टिनेशन किसी चीज को टालना कि यार आपको पढ़ना है या फिर भी टाले जा रहे हो करेक्ट कि आज नहीं कल कर लेंगे कल नहीं परसों कर लेंगे पेपर आएगा तो कर लेंगे सो थिंग्स डोंट वर्क दिस वे कूल सो दीज आर द थ्री थिंग्स जो कि हमें इस लेसन से सीखने को मिलने वाली हैं। आगे चलते हैं चैप्टर की समरी को शुरू करते हुए तो कहाँ से चैप्टर शुरू होता है द लास्ट लेसन ओके सो ये सब चलो बेसिक आइडिया दे देते हैं आप लोगों को पहली चीज कि ये जो लेसन है ये उन दिनों में लिखा गया था जब फ्रांस फ्रांस के अंदर देखो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन से अभी कहीं नाम था मी सी एलसेस एंड लॉरन देर आर टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जिनका नाम है एल्सेस एंड लॉरन ओके एंड फ्रांस की और प्राशिया की प्रशिया है जर्मनी में अब इनकी ना लड़ाई चल रही थी वॉर चल रही थी ठीक है अब लड़ाई में क्या हुआ फ्रांस जो है वो हार गया और जो प्राशिया है वो जीत गया तो बर्लिन से यानी कि बेसिकली आप समझ सकते हो कि जर्मनी से ऑर्डर आ गया कि अब फ्रांस में भी जो फ्रांस है जो वहां के फ्रेंच लोग हैं उन लोगों को भी ना जर्मन में ही पढ़ाया जाएगा ठीक है वहां से ये संदेशा आ गया ये बुलेटिन बोर्ड पे उन लोगों ने लगा दिया कि अब से फ्रांस के सारे लोग जर्मन में पढ़ेंगे ओके सो तो यहां पर यह हुआ है So the अब, अब यहाँ पे कैसे मामला शुरू होता है एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है फ्रांस एक बच्चा होता है आपके जैसा एक बच्चा होता है चलो उसका नाम होता है फ्रांस और वो अपने स्कूल के लेना बहुत लेट हो रहा होता है ठीक है भागता हुआ जा रहा होता है तो उसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिफरें चीज़ें नज़र आती हैं कि ना लोग यू नो बुलेटिन बोर्ड के बाहर यू नो भीड़ लगाई हुई है लोगों ने और जब वो जा रहा होता है पहली बात तो उसका जाने का ही नहीं मन कर रहा होता ठीक है क्योंकि उसके टीचर ने फ्रांस के टीचर ने उसको एक लेसन हम लर्न करने को दिया होता है ऑन पार्टिसिपल्स याद रखना किस पे पार्टिसिपल्स पे फ्रांस को लेसन लर्न करना होता है जो कि उसने नहीं किया होता ओके सो so, उसको सारी चीजें बहुत टेम्पटिंग लग रही होती हैं सोल्जर्स जो यू you नो know, ड्रिल कर रहे थे चिड़िया उसको बहुत प्यारी लग रही होती है तो बेसिकली फ्रांस का मन नहीं था जाने का बट स्टिल वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं लेट पहुंच रहे हैं फटाफट से फटाफट से फटा तो रस्ते में अगेन जो भी हमने बात करी उसको दिखता है कि बुलेटिन बोर्ड के बाहर ना भीड़ लगी हुई है बट अगेन उसके पास टाइम नहीं होता कि वो जाके वहाँ पे देख ले बिकॉज पहली जो चीज़ थी वो ये कि बुलेटिन बोर्ड पे ना सारी बुरी खबरें आती थी ओके okay? तो उसने बोला कि यार अब कौन सी बुरी खबर आ गई बट उसके पास टाइम नहीं था तो वो भाग के अपना हिज लाइक कि चलो पहले स्कूल चलते हैं तो रस्ते में उसने एक आदमी फ्रांस से एक आदमी ने कहा इतनी जल्दी भाग के मत जाओ कहीं लेट वेट नहीं हो रहे हो तुम देन ही वॉज लाइक शायद ना मेरा मजाक उड़ा रहा है आज तो मैं बहुत ही लेट हो गया स्कूल के लिए तो उसे लगा कि यार शायद ना मजाक उड़ा रहा है आज तो मेरा बट उसने उसको इग्नोर किया और वो आगे स्कूल की तरफ चल पड़ा अब जैसे ही वो स्कूल में घुसा तो उसने देखा कि यार स्कूल में तो ना बहुत ही शांति है ऐसा लग रहा था लाइक इट वॉज अ संडे मॉर्निंग संडे को स्कूल की छुट्टी होती है कोई नहीं होता स्कूल में तो उसको ऐसा लग रहा था कि यार संडे मॉर्निंग की तरह क्यों लग रहा है स्कूल इतना शांत कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा ऑलरेडी सबके क्लासेस शुरू हो चुके हैं तो वो बेचारा नर्वस हो जाता है वो बेचारा डर जाता है क्यों क्योंकि ना वो शोर गुल का यू you नो know, उस हसल बसल का फायदा उठा करके ना जब भी वो लेट होता होता था तो क्लासेस में घुस जाता था बट आज तो सब कुछ सेट था करेक्ट तो वो बेचारा बहुत ही नर्वस अब उसने देखा बाहर से अपने फ्रेंच टीचर को जिनका नाम होता है मिस्टर एम हैमल जिनका नाम क्या होता है मिस्टर एम हैमल ओल्ड स्कूल ओके चलो मैं ही आती हूँ अपनी स्टोरी पे वापस से तो वो देखता है कि जो मिस्टर हैमिल हैं पहले तो वो बेचारा बहुत नर्वस होता है दरवाज़ा खोलता है सब लोग उसे नोटिस कर रहे होते हैं तो उसे लग रहा था कि आज तो जो उसके टीचर हैं वो बहुत ही डांटेंगे उसको बट सरप्राइजिंगली मिस्टर हैमिल ने फ्रांस को बिल्कुल भी नहीं डांटा इन फैक्ट उन्होंने कहा कि आ जाओ फ्रांस जल्दी से आ जाओ हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे अब उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब लग रही थी फ्रांस को बट फ्रांस जो है यू you नो know, सब लोगों की जब नज़रों में आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा एम्बेरस था कुछ देर बाद जब वो अपनी एम्बेरसमेंट से बाहर निकला तो उसने कुछ चीज़ें नोटिस करी पहला तो क्या कि जो मिस्टर एम हेमिल हैं उन्होंने बहुत ही यू you नो know, ऐसी ड्रेस पहनी हुई है वो यूजुअली जो या तो इंस्पेक्शन डेज पे पहनते हैं या फिर किसी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी पे पहनते हैं बट उस दिन कुछ भी नहीं था मिस्टर एम हैमिल ने फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी ग्रीन कोट पहना हुआ था ब्लैक एम्ब्रॉइडर्ड लाइक कुछ तो आज अलग है लेटर ऑन उसने देखा फ्रांस ने कि जो बैक बेंचेस हैं जो बेंचेस पीछे थे वहां पे बच्चे नहीं बैठे थे वहां पर गांव के लोग बैठे थे वहां पे विलेजर्स बैठे हुए थे सो इट वॉज क्वाइट शॉकिंग फॉर हेम कि पता नहीं क्या चल रहा है सो लेटर ऑन वो बैठा तो मिस्टर एम हैमिल जब टीचर ने बोलना स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है क्यों क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एलसेस और लॉरेन यानी कि जो फ्रांस के दोनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर भी सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी अब नाउ दीज फॉर फ्रांस थंडर क्लैप मतलब ऐसा होता है ना कि ऐसा लगा ये सुन के कि यू you नो know, बिजली कड़क गई सर के ऊपर सो ही वॉज वेरी शॉर्ड एंड ही वॉज एज वेल क्यों क्योंकि उसको पता था कि वो यू नो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था चीजों को टाल रहा था किन चीजों को उसे अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए थी बट फ्रांस को अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती थी सो फ्रांस वॉज अशेम्ड ही वाज एम्बेरेस्ड एंड ही वॉज शॉक्ड एज वेल ओके तो अब ये मामला शुरू होता है बेसिकली कि जो फ्रांस है वो बहुत ही शॉक में आ जाता है लेटर ऑन मिस्टर एम हामिल को भी ऐसा लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है सिर्फ और सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है कि बच्चों को यू you नो know, उनकी लैंग्वेज नहीं आती ये गलती उनकी खुद की भी है क्यों क्योंकि यू you नो know, जब उनका जब उन टीचर का मन नहीं होता था एम हेमिल का तो वो बच्चों को गार्डन में उनके गार्डन में बोल देते थे जाओ मेरे गार्डन में ना पानी दे आओ या फिर जब भी मिस्टर एम हैमिल का फिशिंग करने का मन होता था तो बच्चों की छुट्टी कर देते थे कि जाओ आज तुम्हारी तो छुट्टी है आज मैं फिशिंग करने जाऊंगा मोर ओवर मिस्टर एम हैमिल ने ये भी कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो बच्चे हैं बच्चों के पेरेंट्स की भी गलती है क्योंकि उनका जो प्राइमरी थॉट है वो क्या है वो ये है कि यू नो बच्चों को मिल्स में या फार्म्स में भेज दो काम कर लेंगे थोड़े से पैसे ज़्यादा एक्स्ट्रा आ जाएंगे सो इन शॉर्ट ये गलती सभी की है ये गलती सभी की है बच्चों की भी क्योंकि उन्होंने प्रोग्रेसिनेट किया टीचर ने भी बिकॉज उन्होंने यू नो टाल दिया पानी दिया हो या फिशिंग करनी है तो छुट्टी कर दी एंड पेरेंट्स की भी है सो so ये गलती सब की है मिस्टर एम हैमल ने कहा कि जो लैंग्वेज होती है जो हमारी खुद की लैंग्वेज होती है इट्स अ की टू द प्रिजन कि अगर वेन लाइक वेन यू आर स्लेव किसी ने आपको पकड़ लिया देन योर लैंग्वेज इज द ओनली यू नो थिंग विच कैन सेव यू जो कि आपको बचा सकती है यू you नो know, अगर आप एक लैंग एक लोग हैं ग्रुप है जिनको एक ही लैंग्वेज आती है सो दे कैन एस्के फ्रॉम एनी थिंग करेक्ट बिकॉज आप प्लान कर पाओगे एग्जीक्यूट कर पाओगे इस तरीके से मोर ओवर अब हर किसी को बहुत ही ज्यादा रिगरेट हो रहा था करेक्ट हर किसी को ही बहुत ज्यादा रिगरेट हो रहा था तो क्या हुआ मिस्टर एम हैमिल ने कहा कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा यू नो क्लियर और लॉजिकल और बहुत ही ब्यूटिफुल लैंग्वेज है बिकॉज एवरी वन वॉज ओवर वेल्ड टूवर्ड्स देयर कल्चर एंड लैंग्वेज तो ये सब कुछ चल रहा था उसी दौरान फ्रांस ने जो बच्चा है जो मिस्टर एम हैमल पढ़ा रहे थे कुछ कुछ बातें कर रहे थे तो इसी दौरान फ्रांस ने बाहर किसको देखा दो पिजन्स को देखा जो कि यू you नो, know, वो गाना गा रहे थे जैसे बर्ड्स अपनी आवाज निकालते हैं तो फ्रांस के मन में एक थॉट आया कि क्या अब इन बर्ड्स को भी जर्मन में ही गवाया जाएगा कि बर्ड से भी कहा जाएगा कि जर्मन में गाओ सो इन शॉर्ट जो यहां पर ये पिजन्स हैं, ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं बच्चे फ्रीडम को सिग्निफाई कर रहे हैं स्वतंत्रता को कि जो बर्ड्स हैं एनिमल्स हैं वो इन सभी चीजों से मुक्त हैं करेक्ट मोर ओवर जब मिस्टर एम हैमिल पढ़ा रहे थे तो फ्रांस को लगता है कि इतना अच्छा मिस्टर एम हैमिल ने कभी नहीं पढ़ाया क्यों बिकॉज उस दिन वो मन लगा के पढ़ रहा था उस दिन सब लोग वो करना चाह रहे थे जो विलेजर्स थे वो भी आए थे क्योंकि सबको अपनी मदर टंग के टुवर्ड्स अपनी मातृभाषा के टुवर्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्यार आ रहा था प्रेम आ रहा था क्यों अपनी ही लैंग्वेज नहीं आती और जो टीचर सिखाता है उसको ग्रैटिट्यूड शो करने आए थे बिकॉज मिस्टर एम हैमेल ये काम 40 इयर्स से कर रहे थे दिस इज मेन स्ट जो कि इस लेसन में कहा गया है तो लास्ट में क्या होता है अब जब मिस्टर एम हेमिल ने सारी बातें कर ली पढ़ा दिया जो कुछ नोटबुक्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो उन्होंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जिनके ऊपर एल्सिस और लॉर की यू नो नाम लिखे हुए थे फ्लैग्स थे सो so, लास्ट में जब यू you नो know, बेल बजने वाली थी तो क्या हुआ जब बेल बजने वाली थी तो मिस्टर एम हैम ने बोर्ड पर कुछ लिखा क्या लिखा उन्होंने उन्होंने अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हुए टूवर्ड्स द लैंग्वेज एंड द कल्चर ही रोट वीव लॉन्ग फ्रांस जिसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस लोंग इट्स लिव और यू कैन से वो अपना प्यार दिखा रहे थे अपनी कंट्री अपने कल्चर अपनी लैंग्वेज के टू वर्ड्स एंड फाइनली बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे मिस्टर एम हैमिल एंड लास्ट में जब यू नो बेल बज गई सो ही जस्ट उन्होंने इसे इशारा किया अपने यू नो फिंगर से या जेस्टर से कि नाउ योर क्लास हैज बीन डिसमिस्ड तो सब लोग चले जाते हैं सो दैट इज द मेन यू नो मुद्दा ऑफ दिस लेसन आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं जल्दी से एम सी क्यू सॉल्व कर लेते हैं एंड देन बूम यू गाइज विल बी डन विद दिस चैप्टर सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन बताइए ऑप्शन नंबर ए जेन ऑस्टिन रबेंद्र नाथ टेगोर नान या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्या एल्फॉन्स डॉ तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया था ऑथर का नाम आगे चलते हैं द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट विथ ह्यूमन टेंडेंसी अब जो ये लेसन है ये क्या ह्यूमन टेंडेंसी को दर्शाता है मेल चौबिन के यू नो मेल डोमिनेटिंग कुछ ऐसा नो प्रोक्रेस्टिनेशन अगेन किसी चीज को टालना लिख भी देते हैं ताकि आपको ना याद रहे प्रोक्रेस्टिनेशन का बच्चे क्या मतलब होता है टालना सो so, प्रोक्रेस्टिनेशन ये शो करता है जो ये चैप्टर है कि अगर आप टालते रहोगे तो शायद एक दिन ऐसा आ जाए कि टाइम खत्म हो जाएगा और फिर आप सीख नहीं पाओगे आगे देखते हैं वट डाज द लास्ट लेसन सिम्बिलाईज ऑप्शन नंबर ए लॉस लॉस किसी चीज का तो नुकसान हुआ किस चीज का फ्रीडम का लोगों से उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई अफकोर्स वो अपने पसंद की लैंग्वेज ही नहीं पढ़ सकते करेक्ट तो उनसे उनकी फ्रीडम तो छीनी गई लॉस ऑफ लैंग्वेज ऑफकोर्स ये भी हमने देखा लॉस ऑफ बोथ लैंग्वेज एंड फ्रीडम एब्सोल्युटली। तो आपको यहाँ से क्या बात पता चलती है कि आपको सारे ऑप्शन को ना रीड करना है देन यू विल फाइनली टिक आंसर। सारे ऑप्शंस को रीड करो थॉरोली क्वेश्चन पढ़ो ऑप्शन देखो फिर आप टिक करोगे ओके okay? नेक्स्ट देखते हैं बच्चे हो ऑक्यूपाई द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास बैक बेंचेस पे कौन बैठा था वीक स्टूडेंट्स नो टीचर्स नो मॉनिटर्स ऑफ द क्लास नो कौन बैठा था विलेजर्स बैठे थे गांव के लोग बैठे थे क्यों क्योंकि वो मिस्टर एम हेमिल के टूवर्ड्स अपना ग्रैटिट्यूड शो करने आए थे बिकॉज उनका 40 इयर्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए थे वहां पे एंड एवरीवन वाज वॉज टुवर्ड्स देयर लैंग्वेज एंड कल्चर नेक्स्ट देखते हैं व्हाई वाज फ्रांस फीलिंग रीग्रेटफुल एंड सैड कि जो फ्रांस था वो रीग्रेटफुल और यू you नो know, दुखी क्यों था फॉर रीचिंग लेट नो फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स देखते हैं आगे और क्या क्या ऑप्शन है फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट नो फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग क्यों क्योंकि वो अपनी ही मातृभाषा बच्चे मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा जैसे हमारी मातृभाषा है हिंदी तो यू you नो know, जो फ्रांस था वो अपनी ही मातृभाषा को लर्न नहीं कर पाया इसी चीज का रिग्रेट फ्रांस और बाकी सभी लोगों को था ओके okay?

थंडक फॉर फ्रांस करेक्ट सो क्या था उसके लिए थंडक जब उसे पता चला कि अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी लाउड बट नॉट क्लियर लाउड एंड क्लियर ऐसा तो कुछ हमने डिस्कस ही नहीं किया स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड के यू नो जिससे वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया और जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था So that's why when you use thunderclap. Next, concluding his last lesson by, by writing, we will, uh, we will Love France on the blackboard shows that Mr. M. Hamill was overwhelmed with his emotions, of course. emotions in emotions. Wanted to distract, was keen, wanted to teach. No. He was over, overwhelmed with his emotions. So, we are done with this lesson. I hope you enjoyed it. And now it's over. So, that is it for today. Bye bye, everyone. Keep learning. All the best. Bye bye.